गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, इट्स डे 4 एंड वी आर ऑल सेट टू गो एंड देयर इज माय वाइफ सी आस्किंग फॉर द कैमरा. शी इज बिजी ईटिंग, शी इज वेरी हंग्री. एक्चुअली यस्टरडे वी आर फुली टायर्ड, कल हम लोग बहुत थक चुके थे रात में, इसलिए वी जस्ट केम हैड एंड जस्ट स्लेप्ट. और वेन एवर आई ट्रैवल आई पर्सनली फील 10 जगह घूमने से ज़्यादा अच्छा है एक जगह अच्छे से महसूस करना. सो वी डिड दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट गोइंग डिफरेंट प्लेसेस, वी स्टिक टू ओनली वन स्पॉट. 10 दिन नहीं किए, बस दिल ने बोला एक ही जगह रुको, वो जगह को महसूस करते हैं. वी स्टेड एट डाउकी, वी एंजॉयड द व्यू और इट्स डे 4. लेट्स सी आज क्या करते हैं. चिरापुंजी जाने का प्लान है फिलहाल, बहुत भूख लग चुका है, फूड इज रेडी, लेट्स हैव एंड देन वी विल गो. भाई ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड, बहुत हैवी था जो ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है. एंड द ओनर इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी वेल बिहेविंग, बिहेवियर बहुत अच्छा है उनका, बहुत फ्रेंडली भी है. हेल्प अस अलॉट, कहाँ जाना है, कि घूमने लायक क्या क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ चेंज ऑफ प्लान्स, चेरापूंजी आज नहीं हो पाएगा. और देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न इज आर बैड लाइफ कैन से, और आर कंट्रीज बैड यू कैन से मिस मैनेजमेंट. आई से प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट एनी हेट स्पीच और समथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट फीलिंग वेरी सैड एज अ ट्रैवलर. अगर आप कहीं घूमने जाएंगे और पोलिटिकल इशूज़ के लिए आप घूम नहीं पाएंगे, everyone will feel bad. I am not blaming anyone. I'll not say who which minister has come because it will be a political scene. I'm just saying a minister has come. So uske liye aaj yahan pura traffic aaj band hai, dekhiye ab rasta pura ekdam khali hai. So filhal sab vehicles yahan ka band kiya hua hai for a while. You can't say how long because you know political scene mein koi exact time to hota nahi hai. Abhi filhal bola gaya hai 1 ghanta. We are feeling very bad kyunki ghoom kar hum log jo ghoomne aate hain बहुत होप लेके आते हैं कि आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे. और सुबह सुबह अगर डेढ़ दो घंटा लेट हो जाए, उसके बाद कब खुलेगा वो भी सर्टेनिटी नहीं है कुछ. इट्स वेरी अनसर्टेन. सो ऑल आई कैन से इज काइंडली स्टे ट्यून विथ अस. एज सून एज द रोड्स विल बी ओपन विल गो, लेट्स सी वेयर वी कैन गो. आज आस्क करते हैं कि आज हम लोग साइट सीइंग करेंगे शिलोंग का. अकॉर्डिंग टू टाइम विल डिसाइड. सो बाय फॉर नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सेटबैक के बाद सेटबैक मिल रहा है. दिस इज़ शिलोंग व्यू पॉइंट, लेकिन यह एयरफोर्स एरिया है. जिन लोग को मालूम नहीं है, जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो लोग को मालूम नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो शिलोंग व्यू पॉइंट में आप लोग कहीं मत आइए, बिकॉज इट्स अ प्रोहिबिटेड एरिया, सिविलियंस आर नॉट अलाउड. सो शिलोंग व्यू पॉइंट की जगह आप लोग जैसे शिलोंग पीक, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन. अभी ये लोग बोला आप यहाँ से जो नज़ारा मिलेगा सिमिलर काइंड ऑफ नज़ारा शिलोंग पीक से ही मिलेगा, लेकिन जो फैक्ट है वो आप हम लोग को मालूम नहीं था कि शिलोंग व्यू पॉइंट से जाना है अलाउड नहीं है. यहाँ से एक ही किलोमीटर है, बट इट्स अ ड्यूटी. व्हाट्स प्रोहिबिटेड इज प्रोहिबिटेड, वी कांट हेल्प. बट सो दैट आप लोग को आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप लोग अगर यहाँ आएंगे फिर आप लोग का मालूम नहीं चलेगा. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग एंड मेकिंग दिस वीडियो कि यहाँ मत आइए, इसकी जगह आप शिलोंग पीक पर जाइए, वहाँ चलते देखते हैं वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है. विल सी यू आउट देयर. ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शिलोंग पीक. वेरी वेरी ब्यूटीफुल आउट हियर. शिलोंग पीक इस तरफ है, शिलोंग पीक इस तरफ उधर से आया. क्रिया की रास्ता कहाँ जाता है? शिलोंग पीक जाए, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये बोला शिलोंग पीक इस तरफ, इधर राइट साइड. हाउ फार इज इट, हाउ फार? जैसा कि आप लोग देख चुके हैं,
people are not trustworthy out here. They don't know, they can say they don't know. But I don't understand why do they misguide people. Let me turn on the map once. One problem we have out here is we believe locals should earn. We are not against the locals, but the fact is that forcefully it's been done. Air Force लोग से बात हुआ, they have said कि हम लोग allow नहीं करते हैं यहाँ directly public को आने को, क्योंकि public लोग को आने को मना किया शिलोंग government नहीं. So अगर we if we public अगर शिलोंग का website पे जाके post करे, उधर जाने के लिए allow करे, तो फिर the defense has no problem in it. Mainly the locals they have said के यहाँ जाने के लिए वी हैव टू बुक देयर कैब, वी हैव टू गिव अ फी सम अमाउंट ऑफ एंड देन ओनली वी कैन गो देयर. वी हैव रिक्वेस्टेड देम हम लोग को जाने दीजिए, देयर से देखिए हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है शिलोंग गवर्नमेंट को. अगर आपको यहाँ डायरेक्टली आना है तो उनका वेबसाइट में जाके ये कमेंट कीजिए, सो द गवर्नमेंट अलाउज अस. सो घूमने आने के बाद वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम, सो वी आर शेयरिंग विथ यू. विल बी कमेंटिंग ऑन द शिलोंग गवर्नमेंट वेबसाइट. आई होप यू ऑल, इफ यू ऑल फेस दिस प्रॉब्लम एंड बिफोर फेसिंग ओनली तो मेक द चेंज, आप लोग भी जाए और वो सब अपने वेबसाइट में जाके कमेंट कीजिए. चलिए अभी जाके व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं. सेंटर शिलोंग सिटी, और ये है टेलीस्कोप जहाँ से पूरा शहर देखते हैं, और मेरा बीवी को देखिए. हाँ, सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट शिलोंग व्यू पॉइंट. आई एम सेइंग दिस व्यू पॉइंट अगेन क्योंकि वहाँ से हम लास्ट वीडियो में जो बोले थे लास्ट पार्ट में, क्योंकि शिलोंग व्यू पॉइंट में आप मत आइए. दिस प्लेस ऑल्सो कॉल्ड शिलोंग व्यू पॉइंट, बट यहाँ आने के लिए आप गूगल मैप में अगर मारेंगे शिलोंग व्यू पॉइंट, इट वॉन्ट वर्क. वो शिलोंग से एकदम सामने से रास्ता जाता है वो दिखाता है, और वो एयरफोर्स की वजह से ये जगह आना अलाउड नहीं है. सो आपको बोलना है शिलोंग पीक जाना है, और शिलोंग पीक आने के बाद फिर ये जगह ये लोग ले आता है, तो फिर ये लोग ये जगह पे लेके आते हैं. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड शिलोंग व्यू पॉइंट एज वेल. यही जगह वहाँ से भी आता है, लेकिन वो जगह से वो लोग अलाउ नहीं करता है. सो फाइनली वी आर हियर एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी रिफ्रेश्ड. वेरी नाइस कोल्ड विंड्स आर कमिंग, इट्स टचिंग आवर स्किन, जस्ट फीलिंग अमेजिंग. और इधर देखिए, यहाँ से आपको पूरा शिलोंग पूरा सिटी दिखेगा एक बार में. इट्स प्रीटी जैम पैक्ड, एकदम मतलब पैक सिटी. आप देखिए एकदम फ्रॉम दैट एंड टिल दिस एंड, घचाघच भर घर बिल्डिंग्स भरा हुआ है. एंड लेट मी शो यू दिस साइड. वो बिल्डिंग से टेलीस्कोप से मेरा बीवी देख रहा था, एंड दैट इज अ पार्किंग. एंड ओवर हियर वी हैव फ्यू शॉप्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, विंटर क्लोथिंग वगैरह. दिस इज़ द मार्केट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये छोटा सा एक मार्केट है जहाँ आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. नाउ लेट्स हेड बैक. राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एलिफेंट फॉल्स. अभी हम लोग एलिफेंट फॉल्स पहुँचने ही वाले हैं. यहाँ आपको टिकट काटना पड़ेगा, 200 rupees for two people, that is 100 rupees each. Dolpan Brahmachari, Deep Brahmachari. Deep Brahmachari. My wife has already played. Sorry, not played. She always plays with me. She has already paid. And that's the benefit of having a rich wife. Okay. Hanji, kya karna hai? Aage dikhana hai. Aage dikhana hai. Aage dikhana hai. Okay, okay. Thank you. Hum log abhi upar se wo viewpoint se aa rahe hain hum log. Shilam Sheikh. Yes. Thank you. We have reached our destination, it's showing only. देखते थे पानी है कि नहीं अभी फॉल्स में. पैदल जाना है, पार्किंग राउट है समय राउट है. Let's park and let's go. We are going down.
पानी का आवाज वी कैन हियर द नॉइज ऑफ वाटर. जनरली मानसून का टाइम में पानी ज़्यादा होता है. लेट्स सी अभी कैसा है फॉल्स. इट्स आउट देयर, आई विल शो यू. Come here, sit for a while. Let me show you from this side. Water is so clean. Lovely. So Elephant Falls is done. Now we are heading towards Lightloom Canyon. Arrived here. कितना करके है भैया? इधर पार्किंग है. ए ए ए, they about to fall the Himalayan. They somehow balanced. 102 पूरा? नहीं नहीं, single. 50 रुपये पार्किंग है. ठीक है, बाइक रख के आके देता हूँ. चलिए, इतना तो कर ही सकते आप. दैट्स गुड. पार्क द बाइक हियर. वंडरफुल व्यू. हम लोग आ चुके हैं लाइटलूम कैनियन में और इट्स ब्यूटीफुल प्लेस. वी आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. बहुत अच्छा लग रहा है. इस सब जगह पे जो सबसे अच्छा चीज़ लगता है वो है नेचुरल विंड. कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं. सब पॉपुलेशन पोल्यूशन सब जगह, सब लोग दूर. बस यहाँ बैठ के आराम से ये ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. हर एक जगह का एक अलग ही ब्यूटी है. वी आर सिटिंग आउट हियर एंजॉयिंग द ब्यूटी. So this part is done and now we are heading towards Pranchuri Falls. Pranchuri Falls is around, right? Pranchuri Falls is around. Song put on. Next time whenever you all come, belong यहाँ का locals का बात सुनके कभी भी
वृंदावन रास्ते डाउकी मत जाइए, फॉलो दिस रोड आराम से कंकरी फॉल्स घूमिए, वहाँ से डाउकी होकर लॉन्ग पोडंग होकर आराम से मॉल लॉन्ग होकर आराम से घर लौटे फिर हम। क्रैंकशुरी वाटरफॉल्स ज़्यादा रास्ता नहीं है, 1-2 किलोमीटर ही है, बट फिर भी चीज है डांसिंग होते हैं। फाइनली वी हैव अराइव्ड, सो दिस इज द वाटरफॉल्स अगेन मोर डाउन। द व्यू इज अमेजिंग। Beautiful spot where you can sit, spend some time and watch the amazing view from up here. Itna pyara nazara hai, ye dekhiye. Hum log wahan jaane wale hain abhi, udhar. सेंचुरी फॉल्स और देखिए मानसून का टाइम में और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पानी का कलर देखिए डाउकी जैसा ही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और ऊपर दैट साइड बोटिंग का भी ऑप्शन है, वी आर शोइंग यू दिस साइड फर्स्ट, दैट साइड विल गो देयर एंड विल शो यू। It's just amazing. This is what I can say. Refreshing. At its best. मतलब इतना अच्छा लग रहा है, अब देखिए उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कहीं मेघालय आ रहे हो, यू आर मस्ट रिमेंबर ये जगह इज अ मस्ट। दिस इज आफ्टर विंटर, दिस इज इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मानसून में आएगा तो ये पूरा भरा रहेगा, दैट आई कैन से फॉर श्योर। बट आफ्टर विंटर फिर भी आप पानी देखिए, तो जगह इतना प्यारा है, इतना मस्त है। थैंक्सफुली फॉल्स यू कांट मिस, इट्स अ मस्ट व्यू। हियर यू कैन रेंट लाइफ जैकेट्स, भाड़ा पे मिलता है, और लाइफ जैकेट पहनने से इट्स फार मोर सेफ और आपको डूबने का कोई डर नहीं है। और इतना अच्छा जगह आने के बाद वो देखिए सामने कितना सुंदर वो सिंपल तैर रहा है लाइफ जैकेट पहन के, कोई टेंशन नहीं। एंड आई एम गोइंग टू डू जस्ट दैट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू रेंट वन एंड आई विल स्पेंड सम टाइम आउट देयर। और बीच जस्ट अमेजिंग, पानी मस्त है, मौसम भी मस्त है। एवरीवन इज एंजॉयिंग, किसके आउट हो सकता है, एवरीवन इज एंजॉयिंग बीच में। लेकिन पानी वो ऐसा नहीं है कि सब शिवरिंग वाला, लेकिन इट्स रियली फन, मस्त ब्यूटी प्लेस है। लॉन्ग आना है, टैंक शुरू फॉर्स आना ही है। हम लोग जहाँ थे वो नीचे थे, हम लोग जहाँ हम नहा रहे थे, और ये देखिए यहाँ से पानी आता है। आप लोग चाहेंगे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन इज अवेलेबल। पानी यहाँ से आते हुए इधर से नीचे झरना है। आई एम स्टैंडिंग राइट इन बिटवीन फ्रॉम वेयर, जहाँ से झरना का पानी नीचे जाता है। मानसून का टाइम है, आई वोंट बी एबल टू शो फ्रॉम हियर, ठीक है। वो देखिए पानी वहाँ से आ रहा है, और मैं अभी खड़ा हूँ क्लिफ से थोड़ा ही पहले, देखिए
रोप दिया हुआ है, ये क्रॉस नहीं करना है। वो देखिए सामने, इसके नीचे ही झरना है जहाँ हम लोग थोड़ा देर पहले नहा रहे थे। जगह इतना प्यारा था, वी हैव स्पेंड टू मच टाइम आउट हियर, नाउ इट्स टोटली डार्क। रास्ता बहुत गंदा है, बट वी हैव टू गो, वी हैव नो अदर ऑप्शन, सो वी आर हेडिंग बैक द लॉन्ग वे बैक होम। तेरी सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, मैप का ये बंद हो रहा है, दैट इज व्हाई। So kindly like, subscribe and press the bell icon and wait for next videos.